मित्रों, कहा जाता है कि एक नदी को सूखने से बचाना बहुत ही बड़ा बात होता है। जिस तरह सरस्वती नदी सूखने के बाद आज हर कोई उसे याद कर रहा है, क्योंकि जो पूर्वज का जो मेमोरी है वो नदी में या पानी में है बोल के इसे विश्वास है। तो आप लोग भी जुड़े इस सी रिवर एवं किदी रिवर को बचाने के लिए इस मुहिम में, क्योंकि यह बहुत ही औषधिक गुण है इस नदी का, क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग किस्म का पेड़ पौधा इस नदी का किनारे पे है और ये बहुत पवित्र जगह माना जाता है यहाँ पे हम लोगों का जो गालो कल्चर के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है वहाँ पे देवी देवता का वास ज़्यादा होता है ऐसे कहा जाता है। और जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है, खासकर जहाँ पे पापी आदमी ज़्यादा पहुँच गया, तो वहाँ पे उसका जो नदी का जो है मेमोरी, जो पूर्वज का जो मेमोरी है वो ख़त्म हो जाता है बोल के, डाइल्यूट हो जाता है बोल के ये विश्वास है। तो कहीं वाकई सचमुच सरस्वती नदी जो है वो वाकई न सूख गया हो और आज उसका अभाव में गंगा जी को सब उसका पवित्रता का जो आज बकान कर रहे हैं, तो कहीं उसका अभाव को अपना हिंदू भाई जो है पूर्ति करने के लिए गंगा को कहीं आज प्रार्थना न कर रहे हो। तो हमें इस तरह का सिचुएशन से बचना है और बचाना है अपना प्रकृति को, हमारा जो नदी नाला पेड़ पौधा और जीव जंतु चिड़िया वगैरह हर किसी को हम लोग को बचाना चाहिए मिलके। और ये भी कहा जाता है कि गंगा जो है बाहर से आया हुआ है, वो रशिया का बुल्गा नदी गंगा हो गया बोल के सुन रहा है। और पूर्वज लोग काफ़ी वहाँ पे कोपार जो है राजा का समय से कोपार डाल डाल के गंगा का जो है साइंटिफिक हिंदू बोल के एक चैनल है ऐप से, तो उसे देखने से आप लोग को लगता है कि जो कोपार का कारण गंगा का पानी जो है ज़्यादा पवित्र हो रहा है बोल के। तो ये जो है हम लोग का वर्जिन है अभी तक अरुणाचल का, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे ज़्यादा शक्ति भी हो सकता है देवी देवता का। और ये जो पूर्वज का जो मेमोरी है, क्योंकि सबका सनातनी, हम लोग का पूर्वज तो एक ही है सभी का, क्रिश्चियन बोलो हिंदू बोलो या मुस्लिम बोलो, तो पूर्वज का जो मेमोरी है तो इसमें ज़्यादा होने का चांस है। आप लोग देख ही रहे हैं कि इतना अभी भी स्वच्छ है पानी। तो आज हम लोग एक समाधि को लगाने के बाद हम लोग का जो रीति रिवाज के अनुसार इस नदी में आए हुए हैं, तो सबको फिर एक बार धन्यवाद। आइएगा बसार में और इस नदी में लुत्फ उठाइएगा। धन्यवाद।